Hello guys, welcome back to our channel Shravi Life in Abroad. I'm Shreya living in Germany with my husband Ravi and with my little boy daughter Anza. और रात का time है और इस time मैंने vlogging क्यों start की है क्योंकि रवि को जाना है कल मतलब निकलना है रोमानिया के लिए. ऑफिशियली एक शॉर्ट ट्रिप है, शॉर्ट तो नहीं कहेंगे बिकॉज हमारे लिए वो लंबा होने वाला है. उनको भी लगेगा कितनी जल्दी मैं घर फैमिली के पास जाऊँ, मे बी हो सकता है ऐसा लगे. और थोड़ा सा आपके रिलेशनशिप में भी स्पेस मिलना चाहिए, सुकून आपको भी मिले और सुकून थोड़ा हमें भी मिले. मतलब ठीक है, अपना अपना टाइम एंजॉय करें और डिपेंड करता है वर्क पर भी, लेकिन मिनिमम 2 वीक्स तो है ही है. ये सूट के साथ में जाने वाला है बट पता नहीं, आई डोंट नो कब बंद होगा. तो ये सब रवि ने पैकिंग की है अपनी खुद से, सारी पैकिंग हो गई है और बस मॉर्निंग में निकलना है. मॉर्निंग की फ्लाइट है यहाँ डिसलडॉर्फ से और उधर रवि और अंसा है. तो मैं अंसा को बोल रही थी आज आप खून पी लो डरा का. मी एंड अंसा वी बोथ गोइंग टू मिस दादा. ओए 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 ओए. सो रवि आपको कैसा लगने वाला है? कल वो पहुंच के मालूम पड़ेगा कि कैसा लगे. इस हिसाब से तो मैं देख रही हूँ तो एक ट्रिप से कम नहीं है, मतलब ऑब्वियसली. और मुझे लग रहा है कि लेकिन काम भी काफी ज्यादा होने वाला है जिस हिसाब से हैक्टिक शेड्यूल मैं ऑफिशियली देख रही हूँ आपका. देखते हैं कितना एंजॉय कर पाते हो हमारे बिना आप. आपकी क्या मस्त टांगे आ रही है रवि. वहां पे काफी गर्मी है तो आई थिंक मुझे हाफ पैंट ही पहनना पड़ेगा तो वहां पे टांगे और दिखेंगी. अकेले वाली बात थी, अब तो ऐसा है बट फिर भी मतलब एक बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यहाँ का मैनेजमेंट मैं देखूंगी कुछ दिन बिल्कुल सिंगल पेरेंट बन के और उधर रवि बैचलर बन के एंजॉय करेंगे. तो दोनों के जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ. एंड आई होप आप लोगों को हमारे इटली के ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे. और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और खूब सारा प्यार देते रहिए अपना. ऐसे ही आप लोग ऑब्वियसली प्यार हमें दे भी रहे हैं उसके लिए बहुत थैंक यू. और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए. व्हाट्स गोइंग ऑन एंजो, व्हाट्स गोइंग ऑन? Good morning, Elsa. Baby woke up. Came down with Dada today. Oh, huggy, huggy, lovey, lovey with Dada. Oy. Breakfast ready हो रहा है. मैं भी थोड़ा कर लूंगी जाने के बाद, क्या पता थोड़ी देर मूड सही ना रहे. ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही हूँ. मतलब साथ में खा लेते हैं तो सही रहेगा, फिर मैं अंसा भी थोड़ा बिजी हो जाऊंगी तो अंसा के लिए भी रेडी कर रही हूँ. मोस्टली ब्रेकफास्ट वो मिक्स फ्रूट का करती है, ऐसे बेरीज हो गए और एप्पल और एवोकाडो बनाना ऐसे मिक्स करके उसको मैं देती हूँ. अभी मैं आपका मिक्स फ्रूट ला रही हूँ बोल में. अभी तो मस्ती मस्ती हो रही है पापा के साथ. Oh. going. Yes, very good. Come, come, come on. Come on. Come, come, come. Okay, take care of yourself and mama also. ये अच्छा था. दादा की नहीं जाने दोगे? दादा हमेशा तो मैं चलती थी साथ में, आज आज लगे जा रहा है केवल. Say bye to Dada. पहुंच चुके हैं जो कि जर्मनी का ही एक सिटी है. फिर म्यूनिक से है उनकी फ्लाइट, 2 एंड 2.5 आवर की है जो डायरेक्ट रोमानिया पहुंच जाएगी. So guys, now I'm at Düsseldorf airport and now I'm going to Munich. From Munich to Timișoara I have another flight.
सो गाइस दिस इज दी ड्यूटी फ्री सेक्शन और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी है लिकर की। सो मैं आपको एक स्पेशल दिखाता हूँ, एक लिकर ये है दैट इज 3.5 लाख, दिस इज 3.8 लाख, दिस इज 2.7 लाख रुपीज अराउंड। सो नाउ आई एम एट तिमिसोरा एयरपोर्ट, this was my flight to Lufthansa. See mama Anza, are you listening? Repeat it now. Say mama. See? Mama. So time हो रहा है यहाँ पे 9 o'clock के अराउंड 9:10 और रवि पहुंच चुके हैं अपने होटल रोमानिया। अभी जस्ट उनका कॉल कंटिन्यू ही है और एंजा सॉरी इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। और मैंने कुछ ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया था वो आ गया पिकनिक से, यहाँ पर जो जर्मनी की एक ऐप है पिकनिक से वो होम डिलीवरी करते हैं, वो सामान भी आ गया। उस टाइम एंजा थोड़ा जग गई थी लेकिन फिर से सो गई है। ऐसे सॉरी एंजा बॉल लेके और मैं वहाँ पर बैठी थी टीवी देख रही थी और कुछ काम भी कर रही थी अपने। और यहाँ पर आ गया है ग्रोसरी का सामान कुछ कुछ, तो ये है मिल्क वगैरह और यहाँ पर एंजा के डायपर कुछ कुछ तो सामान है, सब मैं रख लूँगी अभी। और ये मैंने रवि का कोजी कोजी स्वेटर पहन रखा है ताकि वो मतलब एहसास बना रहे कि रवि मेरे पास ही है मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि वेदर चेंज हो गया यहाँ पे इवनिंग में बारिश होने की वजह से। और इधर रवि का कॉल भी चल रहा है, मैं अभी डिनर करूंगी। रवि क्या खाया फिर आज? आज मैंने एक चिकन था और एक आपका क्या कहते हैं रवियोली था, रवियोली विद श्रिंप। ओके वो खाया। नाइस। टिमिशोरा नाम है ना सिटी का जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो? यस, टिमिशोरा रोमानिया का एक सिटी है जहाँ पर मेरी कंपनी का एक ब्रांच है, एक ऑपरेशंस नाम से होता है, तो वहाँ उनको सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ग्रेट रवि प्रकाश इंजीनियर साहब। मैं जब रवि से पूछ रही थी कितने बजे की फ्लाइट है और कितने डेज का ट्रिप है, तो रवि मेरे को ये बोले तुम्हें तो ये लग रहा है क्योंकि रवि बिजी थे अपने थोड़े ऑफिस के वर्क के साथ भी और ट्रैवल भी, तो वो चीज़ भी दिमाग में थी, तो रवि मेरे को बोल रहे हैं बिजी अपने बिजी शेड्यूल के बीच में ही बोलते जा रहे हैं। तुम्हें तो लग रहा होगा ना कि मैं तो ट्रिप में जा रहा हूँ मुझे कितना काम आने वाला है, तो मेरी मतलब अच्छी बात है, मतलब आप तो हमें कम मिस कर पाओगे, मतलब आपको टाइम नहीं मिल पाएगा हमें मिस करने का। Do you know, आज क्या होने वाला है? आज आपका ये कट हो जाएगा या इसको बोलते हैं इंडियन कल्चर में मुंडन। आज आपका मुंडन करा दे, हेयर कट करा दे आपका। हाँ तो मैंने अभी बिल्कुल भाग भाग के जल्दी जल्दी एक तो ये मैंने बनाया, मेरा रैंडम माइंड ऐसा हो गया कि यार नहीं करा देते हैं, अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं कि लास्ट ईयर एंजा नवरात्रे में ही बॉर्न हुई थी तो इनका भी मूड सही रखना है, इसीलिए मेरी अभी ये हालत बनी हुई है कि मैंने अभी शावर वगैरह नहीं लिया, बस लेके रेडी होके और बस मैं निकलूंगी। आज फाइनली एंजा का हेयर कट हो जाएगा पूरा, ऐसे पूरा सब क्लीन हो जाएगा। अभी एंजा का ऐसा ही मूड स्विंग होता रहता है बिकॉज अभी टीथ भी निकल रहे हैं ना, और आप लोग ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहिए एंजा को और अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए कि वहां पर रोमानिया में रवि क्या कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय रोमानिया में हूँ और यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है तिमिशोरा, वहाँ पर मैं अपने ऑफिस वर्क के लिए हूँ और यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा अब तक, यहाँ का फूड, यहाँ के लोग और यहाँ का स्पेशली वेदर जो कि थोड़ा सा कम ठंडा है कम्पेयर टू जर्मनी। और मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ श्रेया को और एंजा को, बट स्टिल फॉर 2 वीक्स आई एम हियर फॉर माई ऑफिशियल वर्क, सो आई हैव टू स्पेंड दोज 2 वीक्स हियर।
एंड हम लोग ने दो होटल बुक किए हैं, फर्स्ट वीक के लिए एक, सेकेंड वीक के लिए दूसरा. सो फर्स्ट वीक में हमारा स्टेन कलेक्शन होटल है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे. मैं उसको आपका टूर दे रहा हूँ. और फर्स्ट डे मैंने नहीं दे पाया था बिकॉज मैं काफ़ी थका हुआ था और मेरे दिमाग से स्किप भी हो गया, और वो टूर मैं आपको देता हूँ. तो फर्स्ट में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. यहाँ पर इनका ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर एक प्राइम रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं भी ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा, क्योंकि मेरे जब मैं होटल बुक किया था उस समय मैंने उसको पैकेज में ही रखा था ताकि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कोई दिक्कत ना हो. पहले मैं आपको यहाँ का जो फिटनेस रूम है वो दिखाता हूँ. दिस इज द फिटनेस रूम. फिटनेस रूम के बाद मैं चलता हूँ स्पा सेंटर में. यहाँ पर सबके लिए अलाउ नहीं होता है, जिन्होंने लिया हुआ है उनको ही अलाउ होता है. सो दिस इज द स्पा सेंटर. ये सोना है जो कि हम लोगों ने लिया था एक दिन, और यहाँ पे ये स्पा है. काफ़ी खूबसूरत है. ये वॉशिंग एरिया है. यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आप आराम से कॉफ़ी लेके एंजॉय कर सकते हैं. सो ये हो गया आपका फिटनेस सेंटर एंड स्पा सेंटर. अब मैं ले चलता हूँ आपको मेरे रूम में. सो ये रूम के एंट्रेंस है. यहाँ पर मुझे एक गार्ड लगाना है, देन एवरीथिंग विल वर्क. सो आफ्टर दिस डोर देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मिरर, एंड यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो. एंड आफ्टर दैट ये उन्होंने एक डेस्क दे रखी है जिस पर अपना वर्क कर सकते हो. यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, आप कॉफ़ी बना सकते हो अपने लिए. और सोफ़ा के सामने टीवी है, ये फ्रिज है. हियर इज़ द वॉशरूम. स्पेसेस है वॉशरूम का भी, देख सकते हो. ये बाथरूम एरिया है, ये वॉशरूम एरिया है. काफ़ी स्पेसियस है और लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी है. और ये है बेडरूम, और इन्होंने यहाँ पर भी एक टीवी दे रखा है. बाहर का लुक ले सकते हो. यहाँ के मुझे जो भी आसपास के घर है ना, काफ़ी स्पेसियस, काफ़ी वेल मेंटेन लगे हैं. आप देख सकते हो ये सामने घर है और काफ़ी स्पेसियस है. दो से तीन कार पार्क हैं, अच्छा से बना रखा है इन्होंने. आई लाइक इट. दिखाती हूँ मैं आपको ऐसा कैसे प्ले कर रही है. और मैं यहाँ पे शावर लूंगी और यहाँ पे खेलती रहेंगी, मेरे को देखती रहेगी बिकॉज ये अपने प्लेइंग स्टेशन में थोड़ा सा क्रैंकी हो रही थी. आपसे बात करते टाइम भी क्रैंकी होती, इसलिए मुझे अपने पास ही अपने साथ ही रखना पड़ेगा. तो अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ. अदरवाइज रवि जब ऑफिस जाते तब तक मेरा सब कुछ हो गया होता है. बस इवनिंग में जब वो आते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा वर्क होते हैं हाउस होल्ड से रिलेटेड तब मैं कर लेती हूँ. तो ऐसे करके थोड़ा मैनेज करती हूँ, बट अभी थोड़ा चेंज हो गया है. अभी कुछ ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है. हेयर एंसा इज प्लेइंग. ओ कली कली हेयर शो चिको 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 चिको. ओके आई एम गोइंग टू टेक शावर, यू हैव टू वेट हेयर फॉर अ वाइल. यस यस यस. एंड शी इज एंजॉयिंग सम वीडियोस हेयर. गणेशाय नमः. गणपतये नमः. रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रिलोक रक्षकम् भक्तनामयम् कर्तात्राता भवहरवातम्. ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवाधात. ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समा शिवाधात्री स्वाहा. ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुः सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देवि.
थैंक यू। नाइन डे है नवरात्रि का, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड सबकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें और सब लोग हेल्दी रहें। यस, आप सब लोग भी आरती ले लीजिए। ये बोल साचे दरबार की जय। लाइक दिस वी डू क्लैप 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 क्लैप। You are trying good. Very good, Anza, very good. Where you are going? आपकी वजह से ये सब मम्मा ने लगा रखा है, इसके बावजूद आपको ट्राई करना है। No, Anza. चलो फिर से ट्राई करते हैं फ्रॉम हियर। ओके, 1 2 3 गो। कब कब सो टुडे इज 9th डे ऑफ नवरात्रि और डे ठीक ठाक स्पेंड हो गया। अभी कहीं बाहर जाने का मेरा मूड नहीं था आज, वैसे भी यहाँ पर 7:45 हो रहा, तो मैंने चेंज वेंज कर लिया, अपने कंफर्ट में मैं आ गई, मोर कंफर्ट। तो मैं Anza के साथ प्ले कर रही हूँ। इस टाइम Anza पर ही पूरा टेंशन है और पता नहीं मतलब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि कुछ मैं मतलब जैसे कि कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं कर पाऊँ। और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है Anza के साथ मेरा। अजय दर मामा ने कुछ निकालने के लिए फ्रिज खोला था, बंद भी करने दो। इट्स कोल्ड ना? ओह, इट्स कोल्ड। बंद कर दे। ओह, हाथ ठंडी ठंडी हो रही है, ठंडी ठंडी हो रही है। ओह नो नो नो, डोंट गो देयर। हाँ, नाउ क्लोज, ओके? She is having her food and she is looking at Dada on camera. Oh! Dada? Dada? Itni shakti hame dena data. Itni shakti babbi ko dena data. कि मम्मा को अकेले हैंडल करना है सब कुछ और ऐसा बहुत भगाती है मम्मा को।